अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको टेस्टी फूड खाना पसंद है, तो डेफिनेटली आपका आंसर यस ही होगा। और हो सकता है कि अपने फेवरेट यमी फूड का ख्याल आने से आपके मुंह में पानी भी आ जाए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपको कुकिंग करना पसंद है, तो भी आप में से बहुत सारे दोस्त हाँ कह सकते हैं, क्योंकि आज कुकिंग एक पैशन बन चुका है और एक शानदार करियर भी। ऐसे में कुकिंग के लिए भी क्रेजी होना बनता है, बिल्कुल जैसे किसी भी एक्साइटिंग करियर्स के लिए हुआ जाता है, जैसे फोटोग्राफी, डांस, योगा एक्सेट्रा। इसलिए अगर आप कुकिंग के लिए पैशनेट है और आपको अपने इंटरेस्ट के इस चैलेंजिंग वर्क को करने में मजा आता है, तो आप इसे अपने करियर की तरह भी देख सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हो रही है, वो कुकिंग कोर्स ग्रेजुएट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है। और फिर कुकिंग कोर्स ग्रेजुएट्स तो दुनिया में कहीं भी वर्क कर सकते हैं, यानी अपने स्वाद और प्रेजेंटेशन का डंका कहीं भी बजा सकते हैं। अब ऐसे में आपको इस फील्ड में अपने इंटरेस्ट को नॉलेज का सपोर्ट देना चाहिए, ताकि आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो सके। इसलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें आज हम बात करेंगे कुकिंग कोर्सेज की, यानी आप कुकिंग में कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको एक प्रोफेशनल बनाने में हेल्प करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट और टेस्टी टिप मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि कुकिंग कोर्स क्या होता है। तो देखिए, कुकिंग कोर्स फूड आर्ट से डील करने वाला कोर्स है, जिसमें फूड प्रेपरेशन और प्रेजेंटेशन जैसे बहुत सारे टास्क इंक्लूड होते हैं। कुकिंग कोर्स को कल्नरी आर्ट्स कोर्स भी कहा जाता है, और इसमें स्टूडेंट्स को फूड प्रिपेयर करना, कुक करना और उसे इफेक्टिव और अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में ऑपरेशनल, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल सिखाई जाती है, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये सब होता है कुकिंग कोर्स में। चलिए अब आगे ऐसे कुकिंग कोर्सेज के बारे में भी जान लेते हैं, जो आपके लिए गुड ऑप्शंस बन सकते हैं। कुकिंग कोर्सेज शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स, और लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। चलिए इन कोर्सेज के बारे में एक एक करके पता करते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें, तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यूं तो कोई फिक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, और आप क्लास 10th के बाद इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस शॉर्ट टर्म कोर्स की ड्यूरेशन एक साल तक हो सकती है, और आपको इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इसका क्राइटेरिया और ड्यूरेशन में वेरिएशन भी मिल सकता है। ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुक एंड बेक एकेडमी न्यू दिल्ली का सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन, जिसकी फीस अप्रोक्स 1,65,000 रुपए होती है। JBL एकेडमी का सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी, इसके फीस अप्रोक्स 85,000 रुपए होती है। सर्टिफिकेट इन बेकरी का सिलेबस देखें, तो इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, बेकरी थ्योरी, बेकरी प्रैक्टिकल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जानते हैं डिप्लोमा कोर्स के बारे में। तो डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन 6 से 18 महीने हो सकती है, और इसे करने के लिए आपका 12th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करना जरूरी होगा। ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, फूड कंसल्ट चेन्नई का डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पेस्ट्रीज प्रोग्राम, जिसके फीस अप्रोक्स 3,00,000 रुपए है। कुक एंड बेक एकेडमी दिल्ली का डिप्लोमा इन कल्नरी आर्ट्स फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग, इसके अप्रोक्स फीस 3,26,000 रुपए है। एकेडमी ऑफ पेस्ट्री एंड कल्नरी आर्ट्स गुड़गांव का डिप्लोमा इन कल्नरी आर्ट्स, इसके अप्रोक्स फीस 4,00,000 रुपए है। पैलेट कल्नरी एकेडमी मुंबई का इंटरनेशनल लेवल 2 डिप्लोमा इन कल्नरी आर्ट्स, जिसकी फीस अप्रोक्स 6,00,000 रुपए है। और इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कल्नरी आर्ट्स दिल्ली का एडवांस डिप्लोमा प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कोर्स इन कल्नरी, इसकी अप्रोक्स फीस 1,77,000 रुपए है। तो इन सारे कोर्सेज के स्टडी टॉपिक्स का अंदाजा लेने के लिए, अगर डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पेस्ट्रीज प्रोग्राम का सिलेबस देखा जाए, तो इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स है बेकरी एंड पेस्ट्रीज थ्योरी, बेकरी एंड पेस्ट्रीज प्रैक्टिकल, फूड सेफ्टी एंड हाइजीन, फूड कॉस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। डिप्लोमा कोर्सेज के बाद अब चलते हैं यूजी कोर्सेज की तरफ। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल होती है, और ऐसे कोर्स में एडमिशन के लिए आपका क्लास 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 45% से क्लियर करना जरूरी होता है। तो कुकिंग में ऐसे कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, BA इन कल्नरी आर्ट्स, जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद जैसे इंस्टीट्यूट से किया जा सकता है। और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इस यूजी कोर्स की एवरेज एनुअल फीस में 36,000 से लेकर 4,50,000 तक का वेरिएशन देखा जा सकता है। इसी तरह BHM इन कल्नरी, यानी बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इन कल्नरी कोर्स भी किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ बेहतरीन कॉलेजेस है UEI ग्लोबल त्रिवंद्रम, IIHMCA हैदराबाद, कल्नरी एकेडमी ऑफ इंडिया हैदराबाद, IICA न्यू दिल्ली और मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल।
और इस कोर्स की एवरेज फीस में 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक का वेरिएशन मिल सकता है। इनके अलावा बीएससी कल्नरी आर्ट्स, बैचलर ऑफ कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड कल्नरी आर्ट्स और बीवीओसी यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन कल्नरी ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस का आइडिया लेना चाहते हैं तो आपको बीए इन कल्नरी आर्ट्स का सिलेबस बताते हैं। इसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं: प्लानिंग एंड मैनेजिंग फूड प्रोडक्शन, वर्ल्ड फूड, मेन्यू प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फूड एंड बेवरेज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड हॉस्पिटैलिटी, रूम्स डिविजन्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, कंटेम्प्रेरी गेस्ट्रोनॉमी, क्रिएटिव पेस्ट्रीज, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, कंटेम्प्रेरी हॉस्पिटैलिटी एंड मार्केटिंग, द डेवलपिंग मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ज्यादातर यूजी कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस पर मिल जाता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम है NCHMCT JEE यानी नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, IIHM ECHAT यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉमन होटल एडमिशन टेस्ट, MAH HMCET यानी महाराष्ट्र होटल मैनेजमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और GNIHM JET यानी गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। अब जानते हैं पीजी कोर्सेज के बारे में। तो इसकी ड्यूरेशन 1 से 2 साल तक होती है और इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपका होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी BBM, BBA इन होटल मैनेजमेंट और BA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड कल्नरी आर्ट्स में से किसी भी कोर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी होगा, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा। तो पीजी कोर्स में आप मास्टर इन कल्नरी आर्ट्स, MSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और PGT इन कल्नरी आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए कल्नरी एकेडमी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा न्यू दिल्ली, IHM बेंगलुरु में एडमिशन लिया जा सकता है। इस कोर्स की फीस 45,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कल्नरी आर्ट्स का सिलेबस देखा जाए तो इसमें कवर होने वाले मेजर टॉपिक्स होते हैं: कल्नरी स्किल एंड टेक्निक्स, न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी, फूड एंड बेवरेज कॉस्ट कंट्रोल, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कल्नरी स्किल एंड टेक्निक प्रैक्टिकल, फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रैक्टिकल, फूड प्रोडक्शन ऑपरेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फॉर शेफ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंस्टीट्यूशनल केटरिंग एंड बैंक्वेटिंग प्रैक्टिकल, कल्नरी आर्टिस्ट्री एंड फूड स्टाइलिंग प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सटर्नशिप एसेट्रा। और अब हमें जान लेने चाहिए कुछ ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज के बारे में, जो है कोर्सेरा का स्टैनफोर्ड इंट्रोडक्शन टू फूड एंड हेल्थ, EDX का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, Udemy का इंडियन कल्नरी वर्ल्ड मास्टर द आर्ट ऑफ इंडियन कुकिंग, स्किल शेयर का कल्नरी एजुकेशन इन 90 मिनट, और इंस्टीट्यूट ऑफ कल्नरी एजुकेशन का फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। अब ये जान लेना भी तो जरूरी होगा कि कुकिंग कोर्स करने के लिए और इस फील्ड के एक्सपर्ट बनने के लिए आपके कौन कौन से स्किल्स का होना जरूरी होगा। इसलिए आइए इन सारे स्किल्स के बारे में भी जान लेते हैं। और ये स्किल्स हैं: क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी, कुकिंग स्किल्स, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, फूड इंग्रेडिएंट्स नॉलेज, गुड सेंस ऑफ फ्लेवर, क्लीनलीनेस, मेन्यू प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग, कल्नरी एक्सपर्टीज, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, रेस्पॉन्सिबल एंड अटेंशन टू डिटेल। अब अगर कल्नरी आर्ट्स ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल जॉब प्रोफाइल्स के बारे में हम जाने तो कुक्स या शेफ्स जिन्हें मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी 7,50,000 रुपए तक हो सकती है, सोशिया जिसे मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी 5 लाख पर एनम तक हो सकती है, केटरिंग मैनेजर जिसे मिलने वाली एनुअल एवरेज सैलरी 4,90,000 रुपए तक हो सकती है, और फूड स्टाइलिस्ट के तौर पर आप 2 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी पैकेज अर्न कर सकते हैं। ये सैलरी पैकेज आपकी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज पर तो डिपेंड करेंगी ही, साथ ही उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करेगा जहां पर आप अप्लाई करेंगे। और हाँ, फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन करते समय ये सैलरी पैकेज 3.5 लाख से शुरू हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ये पैकेज इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस पर फोकस बनाए रखें। टॉप रिक्रूटर्स के बारे में जाने तो कल्नरी आर्ट्स एक्सपर्ट्स को हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स में शामिल हैं द ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ITC ग्रुप ऑफ होटल्स, मैरियट इंटरनेशनल, द लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, हिल्टन वर्ल्ड वाइड, हयात होटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स एंड रिसॉर्ट ग्रुप, कंपास ग्रुप, एक और होटल्स एसेट्रा। और इस तरीके से सही कुकिंग कोर्स करके प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स को गेन करके आप हाई सैलरी पैकेज पर काम करते हुए अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं।
इसलिए इस वीडियो की हेल्प लेकर ये जरूर पता लगाइएगा कि कुकिंग कोर्स और ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल करियर चॉइस हो सकता है या नहीं, और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। वैसे आप इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन उन्हें कुकिंग फील्ड रिलेटेड कोर्सेज के बारे में नहीं पता। और इसी के साथ अगर कोई और भी टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो हमें लिख दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस तुरंत लगे हाथ अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें और हमेशा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो रूबी आपसे मिलेगी फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ, जो आपको हेल्प करेगी आगे ग्रो करने में। तो तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।